स्कूल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है मैंने लिखा है क्वालिटीज ऑफ द ट्रेनर या टीचर। एक टीचर में या ट्रेनिंग देने वाले में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं रियल स्टेट में ट्रेनिंग दे रहा हूं और मेरी ट्रेनिंग किसको कितना प्रभावित करती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी ट्रेनिंग में क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं बात करता हूं। यदि मैं मतलब ट्रेनिंग दे रहा हूं, यहां पर ट्रेनिंग आ गया, यदि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको, तो मैं ये समझता हूं कि जिस दिन आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए मैं आपको उतना कुछ दे दूं कि आपको मेरी जिंदगी भर जरूरत ना पड़े। मतलब इस लेवल तक आपको एजुकेशन दे दूं, इस लेवल तक आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर दूं, इस लेवल तक आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक कर दूं, इस लेवल तक आपको ये कैलकुलेशन सिखा दूं कि आपको कभी भी मेरी जरूरत ना पड़े। मतलब आप इंडिपेंडेंट होकर चले जाओ यहां से, ये मेरी मंशा है। और दूसरे नंबर पर जो ट्रेनिंग के साथ साथ पार्ट होता है दूसरा ट्रीटमेंट का, ये दो पार्ट है मेरे, एक ट्रेनिंग है एक ट्रीटमेंट। मैं दूसरे नंबर ट्रेनिंग में तो मैं ये चाहता हूं कि आपको मेरी बिल्कुल जरूरत ना पड़े। मैं आपको इस लेवल तक, क्योंकि मैंने आपसे पैसे लिए हैं, मैं अपना डुप्लीकेट पैदा कर दूं, मैं खुद एक राजवंत सिंह पैदा कर दूं, जो बंदा मेरे पास ट्रेनिंग लेने आ रहा है तो उसको दोबारा राजवंत सिंह की जरूरत ना पड़े। दूसरे नंबर पर जो है ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में मैं ऐसा ट्रीटमेंट आपको दूं, मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करूं कि आपको जिंदगी में मेरे हर समय हर पल याद आए कि वो बंदा था जिसके पास मैं ट्रेनिंग लेके आया हूं, उससे कुछ सीख के आया हूं। मेरा ट्रीटमेंट है, जो मेरा व्यवहार है आपके साथ, इतना बढ़िया होना चाहिए कि आप मेरे को छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं। दो कंट्रीडिक्टरी स्टेटमेंट है, एक में मेरी जरूरत ही नहीं है, ये मेरा ट्रेनिंग का पार्ट है कि मैं आपको अपने जैसा बनाना चाहता हूं कि आपको राजवंत सिंह की कभी जरूरत ना पड़े। दूसरे में ट्रीटमेंट की ये है कि मैं आपके साथ इतना बढ़िया तरीके से व्यवहार करूं, इतना बढ़िया तरीके से आपके साथ बिहेव करूं कि आपको हमेशा याद रहे कि हमने किसी बंदे से ट्रेनिंग दी थी। सो दोस्तों, ये जो क्वालिटीज है ये हर टीचर में होनी चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी आप जिसके पास आप ट्रेनिंग ले रहे हो, चाहे वो मोटिवेशन स्पीकर है, चाहे वो कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला है, चाहे आईलेट्स वाला है, चाहे कोई और किसी तरीके की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहा है, वो बंदा इस लेवल तक ट्रेनिंग दे कि उसको दोबारे ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग आया जो ट्रेनिंग लेने आया उसको दोबारे उस बंदे के पास जाने की जरूरत ना पड़े। ऑन द मतलब दूसरे कंट्री मतलब कंट्रा और जो हम कहेंगे ऑन द अदर हैंड्स, वो ऐसा ट्रीटमेंट दे बंदों को कि बंदे उसके बिना गुजारा ही ना कर पाए, उसको मिलने के लिए तरसे। तो ये क्वालिटीज ऑफ ट्रेनर होने चाहिए, ये क्वालिटीज ऑफ द ट्रेनर या टीचर ये होना चाहिए। मैं अपने आप में ये क्वालिटीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी भी मेरे को इस पे एफर्ट करने पड़ेंगे, जो भी करना पड़ेगा मैं 100% करूंगा। सो दोस्तों, ये वीडियो है, ये आपको मैं अपने बारे में और ये ट्रेनिंग जो देते हैं लोग ट्रेनर हैं उनके बारे में कुछ क्लैरिटी देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और यदि चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। मैं ये नहीं कहता कि ये वीडियो शेयर करने लायक है, शेयर करना या ना करना वो आपने देख लेना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदा मेरे पास आ गया, 2012 से मैं रियल एस्टेट की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, एक भी बंदा अभी तक छोड़ के नहीं गया। और मैं ये दावा करता हूँ कि जो फीस मैं लेता हूँ, यदि आपको ट्रेनिंग में पसंद ना आए या आपको उसकी वैल्यू ना लगे, वैल्यू फॉर मनी जो भी कहते हैं उसको, मतलब ये ना लगे, तो आप अपना सारा का सारा पैसा वापस ले सकते हो। आज तक थैंक गॉड कुदरत बहुत बड़ी है, मेरे से एक बंदा भी अभी तक अपने पैसे वापस नहीं मांग के ले गया। इसी तरीके की ये ट्रेनिंग
ये मेरी जो पर्सनल इंटरेक्शन है आप लोगों के साथ, जो मेरे ट्रेनी रहते हैं मेरे पास आते हैं उनके साथ, ये इस तरीके की इंटरेक्शन है, ये इसी तरीके से बनी रहे। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। ट्रेनिंग वालों के साथ आपका स्पेशल लगाव हो, आप जिस बंदे के पास ट्रेनिंग लेने जाते हो उस जैसा ही बन के निकले, ताकि उसकी आपको जरूरत दोबारे ना पड़े। क्योंकि जब आपने उसको पैसे दे दिए तो यदि फिर भी आपको वहां पर जाने की जरूरत पड़ती है तो यह समझ लेना कि आपके ट्रेनिंग के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुई। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच। राजवंत सिंह मौर्य।